एक परिवार में चार चार पुत्र होना चाहिए। देश में बढ़ती आबादी को कंट्रोल करने की बात चल रही है। केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन कई बाबा आबादी बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। बाबा ऐसे बयान सनातन की रक्षा के नाम पर देते हैं। पहले भी कई बाबा ऐसे बयान दे चुके हैं और अब पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज ने भी यही ज्ञान दिया है। चार पुत्रों वाला ज्ञान, जनसंख्या पर कैसे लगाम? इस भारत वर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं, कम से कम एक परिवार में चार चार पुत्र होना चाहिए। फिगर पर ध्यान, इंडोनेशिया ना बन जाए हिंदुस्तान। और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान इंडोनेशिया ना बन जाए। बाबा का प्रवचन छिड़ा सियासी रण। वो भाजपा से मांग करें और भाजपा बताए कि भाजपा का क्या रुख है, भाजपा इस मामले से सहमत है या नहीं। इस प्रकार से इंडोनेशिया से भारत की तुलना करिए, फिटनेस के ऊपर बात की, उनके निजी विचार हो सकते हैं। देश की बढ़ती आबादी कई बड़ी दिक्कतें खड़ी कर रही है। केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की बात कर रही है, लेकिन कई धर्मगुरु खुले मंच से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। उनमें पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज भी शामिल हो चुके हैं। बाबा ने हिंदुओं को चार बेटे पैदा करने की सलाह दी है। इनसे पहले भी कई बाबा ये बयान दे चुके हैं। आखिर आबादी पर बाबाओं का ऐसा ज्ञान क्यों? आज इसी मुद्दे पर मध्य प्रदेश की महा डिबेट में होगी चर्चा। बाबाओं का ज्ञान कितना उचित है? महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज और इन जैसे और बाबाओं को ऐसा क्यों लगता है कि सनातन की रक्षा के लिए आबादी को बढ़ाना जरूरी है? मध्य प्रदेश की महाडिबेट में आज यही जानने की कोशिश करेंगे। आज किन सवालों के इर्द गिर्द महाडिबेट रहेगी, उन सवालों पर डालते हैं नजर। बाबा का ज्ञान आबादी पर फिर कैसे लगेगी लगाम? अगला सवाल रहेगा कि ऐसे बयान देने की आवश्यकता क्या है? धार्मिक प्रवचन, धार्मिक माहौल, फिर इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों आ जाती है? आबादी बढ़ाकर कैसे होगी सनातन की रक्षा, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की महाडिबेट रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। मेरे साथ इस गेस्ट पैनल में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं अक्षय शर्मा जी, चंद्रशेखर तिवारी जी हैं अध्यक्ष हैं संस्कृति बचाओ मंच मध्य प्रदेश के, डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी प्रवक्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, नीति शर्मा जी हैं समाज सेविका हैं वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और अब वापस रिकनेक्ट करने की कोशिश हम करेंगे, और साथ ही इंतजार रहेगा मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता का भी। लेकिन पहला सवाल मेरा आपसे है चंद्रशेखर तिवारी जी, ऐसे इस तरह के बयान जब दिए जाते हैं हिंदू महिलाओं को नसीहत कि आप दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बच्चे पैदा कीजिए, पांच बच्चे पैदा कीजिए, ये महिलाओं की अपनी आजादी क्यों नहीं हो सकता? यह विषय, ये पति पत्नी के बीच का मसला क्यों नहीं हो सकता? इस पर एक धर्म गुरु का ऐसा बयान क्यों जरूरी है? अपर्णा जी, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, लेकिन आप ये बताइए क्या केवल जनसंख्या नियंत्रण का कार्य करने का जिम्मा हिंदू समाज नहीं ले रखा है? ये हिंदुस्तान है, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, यही चलना चाहिए। और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होता है तो सबके ऊपर लागू होगा, केवल हमारे ऊपर अकेले पे थोड़ी लागू होगा। हाँ नहीं, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होगा तो सभी पर लागू होगा, लेकिन ये आप अभी तो... आपने कुछ दिनों पहले आपने सर्वे में देखा होगा कि हिंदू समाज की जनसंख्या तो घट रही है, लेकिन
जिन पर जो शरीयत का कानून अपने ऊपर लागू करते हैं, जो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो है नसबंदी गुनाह है और ये गुनाह है, मतलब हम जनसंख्या नियंत्रण कानून के उसमें नहीं आते, तो उनकी जनसंख्या आप देख लीजिए, हमारे से सीधी डबल तीन गुना हो गई है। और वो तो कह रहे हैं कि आप तो सिर्फ बच्चे पैदा करिए, बाकी तो सब जो खिलाने पिलाने की व्यवस्था तो बाकी सब हो ही जाएगी, सरकार दे ही रही है, अनाज दे ही रही है। तो क्या केवल हिंदू समाज, अगर हमारे धर्मगुरु ये कह रहे हैं तो उसमें बुराई क्या है? पहले भी तो आठ आठ बच्चे हुआ करते थे, क्या कोई परिवार में कोई भीख मांगता हुआ मिल रहा है, या किसी परिवार में कोई व्यवस्थित शादी विवाह नहीं हो रही? तो जब अगर या तो कानून सबके लिए बराबर हो, और अगर नहीं हमारे धर्म नहीं कानून सबके लिए बराबर होगा तिवारी जी, और जो नहीं तो ये तो जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो डिसाइड करेंगे ना। एक महिला को सत्ता में बैठे हुए लोग भी हमारे ही भेजे हुए महिला की चॉइस होनी चाहिए कि वो बच्चों नहीं नहीं ये चॉइस किसकी होनी चाहिए? एक परिवार ये फैसला लेगा ना, पति पत्नी के बीच का फैसला होगा ये। देखिए अगर हमारे धर्मगुरु ने बोला है तो वो निर्णय तो परिवार को लेना है, लेकिन अगर उन्होंने बोला तो उसमें बुराई कोई बात नहीं है, होना चाहिए। उन्होंने ठीक इंडोनेशिया का उदाहरण दिया, वहां पर यही स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज आप बहुत सारे देश हैं जहां पर शरणार्थी बन के गए थे अन्य समुदाय के लोग, और आज स्थिति वहां की देख लीजिए आप, तो यहां पर भी वही होने वाला है। इसलिए अगर धर्मगुरु ने बोला तो मैं उनकी बात का समर्थन करता हूँ, और बाकी निर्णय तो आप पति पत्नी को लेना, ये तो आपने ठीक बात कही। नहीं ये बताइए, ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गई। चंद्रशेखर तिवारी जी व्यक्तिगत थोड़ा सा हो जाऊंगी यहाँ पर मैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे चार बच्चे हैं। आपके चार बच्चे हैं, तो उन चार बच्चों के लालन पोषण में आपको किसने मदद करी? किसी ने, मैंने खुद ने, मेरी मर्जी है। नहीं मर्जी नहीं, मर्जी नहीं, लालन पोषण की मैं कुव्वत की बात कर रही हूँ, काबिलियत की बात कर रही हूँ। ये आपने खुद ही पाले ना चारों बच्चे अपने? बिल्कुल हम ही पालेंगे ना, ये आपका फैसला था ना। पालेंगे तिवारी जी, आपका तो फैसला था ना। देखिए मेरा फैसला था, और मेरा फैसला आगे सारे धर्म जो सनातन नहीं नहीं, तो बात बस इसी की हो रही है कि अगर आपके चार बच्चे हैं या मेरी एक बेटी है, तो ये हमारे फैसले होने चाहिए ना, ये व्यक्तिगत फैसले होने चाहिए। नहीं तो आप किसी गरीब आदमी को बोलो कि पांच छह आठ बच्चे पैदा करो, पालेगा कहां से वो बच्चे? हम जब नेचुरल रिसोर्सेज की बात अच्छा, करते मतलब हैं तो वो पहाड़, वो अपर्णा जी, सड़कें, वो सब सीमित हैं संसाधन। आप ये अपर्णा जी, आप ये ज्ञान हमें तो दे रही हैं, लेकिन यही ज्ञान आप मुस्लिम समाज को भी दीजिए ना। वो हमारा ये ज्ञान सभी के लिए है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था 15 अगस्त के मौके पर 2019 को कि हम सभी को जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। मैं तो प्रधानमंत्री मोदी की बात को ही आगे रख रही हूँ। नहीं तो कहाँ मान रहे हैं अन्य समाज के लोग? वही तो मैं कह रही हूँ ना, देखिए नहीं नहीं, आप बंटवारा कर रहे होंगे, मैं तो अपने तमाम दर्शकों से ही कह रही हूँ कि आपका फैसला है ये, आप अपने हैसियत आर्थिक क्षमता के मुताबिक, सिर्फ आर्थिक नहीं तिवारी जी, सिर्फ आर्थिक ही नहीं, एक महिला की फिजिकल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितने बच्चों को जनना चाहती है। मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है, किसी और को भी समझाने की आवश्यकता नहीं है कि एक महिला के लिए कितना विषमकारी होता है मां बनना, उसके बाद के तमाम प्रभावों को झेलना। ईश्वर ने, ईश्वर ने सिर्फ स्त्री को ही एक वो सहन शक्ति दी है जो कि वो बिल्कुल, लेकिन स्त्री स्त्री में तो इंसान है तिवारी जी, स्त्री में तो इंसान है। ठीक है मैं आगे बढ़ रही हूँ, भूपेंद्र जी भी आ गए हमारे साथ, भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रेम व्यास, लेकिन पहले क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपसे मैं एक कमेंट लेना चाहूंगी इस पर। आप पीएम मोदी की बात मानेंगे या धर्मगुरु की बात मानेंगे, किसकी बात का समर्थन करेंगे? देखिए संत और समाज के मध्य का संवाद था जो वहां पर प्रदर्शित हुआ। संत जो होता है वो समाज में सचेतक, शुभचिंतक और मार्गदर्शक के रूप में प्रदर्शित होते हैं। दूसरी बात है कि संत समाज जो है भारत का, वो निश्चित रूप से धर्म की भी चिंता करते हैं, और अभी जो दौर चल रहा है यूनियन फैमिलीज का, उसको लेके जो है उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करी है, जहां धर्म के जीवित होने के लिए, राष्ट्र की संरचना के लिए, उनके अनुसार प्रगति के लिए, उनके अनुसार होना आवश्यक है। चूंकि धर्मो रक्षति रक्षित अगर कहा जाता है,
तो वो संत समाज इसको स्वीकारता है। प्रदीप मिश्रा जी ने इसके पूर्व में कहा था कि चार संतान होनी थी, जिसमें से दो संतान जो है परिवार के पास है। एक राष्ट्र विकास में अग्रसर हो और एक जो है समाज को संभालने का कार्य करे, इसीलिए मैंने कहा है कि ये संत और समाज के मध्य का नहीं। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, किसी और का डर दिखाकर क्यों? सनातन धर्म की रक्षा हम हिंदुओं को सशक्त बनाकर भी कर सकते हैं, सक्षम बनाकर भी कर सकते हैं, काबिल बनाकर भी कर सकते हैं, शिक्षित बनाकर भी कर सकते हैं ना। इसमें हमेशा महिलाओं को बीच में लाने की आवश्यकता क्यों हो जाती है? महिलाओं को नसीहतें क्यों? चाहे उस महिला का पति उतना कमा पाए या ना कमा पाए, लेकिन महिलाओं कह दीजिए आप कि 5, 6, 8, 10 बच्चे पैदा कीजिए, चाहे फिर किसी भी धर्म के क्यों ना हो वो। डॉक्टर व्यास देखिए, इसीलिए तो मैंने कहा ये संत और समाज के मध्य का संवाद है, ये किसी राजनीतिक पार्टी और समाज के मध्य का संवाद नहीं है। चूंकि संत समाज के सचेतक होते हैं, शुभचिंतक होते हैं, पारिवारिक के रूप में साथ में बैठते हैं, तो एक पारिवारिक चर्चा के रूप में उन्हें उद्देशित करा। वहां पर अगर आप देखेंगे पूरे वीडियो में, लेकिन तिवारी जी की तो ये चिंता है ना कि भाई दूसरे धर्म के लोग तो ये नहीं मानते हैं, तो जनसंख्या नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाने की जिम्मेदारी तो सरकार की भी है ना। वो कदम उठाएंगी, उन कदम को जनता अपनाएगी। जागरूक किया गया तो प्रयास कि दो बच्चे ही अच्छे, आज तो आजकल के कपल तो एक ही बच्चा कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है, बच्चों की फीस देखें या अपना घर चलाएं। देखिए ना, यूनियन फैमिलीज के डिसऑर्डर्स भी अभी सामने आए हैं, कम से कम दो बच्चों का कहा गया था, और उसके बाद में आप देखिए कि सरकार तो यूसीसी लाने के लिए प्रयासरत है कि सब एक जैसा हो जाए, सबको एक जैसे समान अधिकार मिले। धार्मिक अस्थिरता अगर भारत में मौजूद है, उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि हिंदू समाज में एक से ज्यादा शादी करने पर सेक्शन 494 में अफेंस है, वही किसी और के लिए अफेंस नहीं है। इसीलिए संत समाज ने चिंता करके अपने स्तर पे अपने मतलब परिवार के मध्य में समाज की चिंता वाजिब लग रही है, प्रधानमंत्री मोदी की चिंता वाजिब नजर नहीं आती। नहीं, मैंने कहा ना, हम तो यूसीसी के लिए प्रेरणा कर रहे हैं, तो यूसीसी के लिए जागृति अभियान चला रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी आ गए, आ गए, मसला आ गया। यूसीसी ही क्या इसका उपाय है? और जो ये जो स्वामी प्रेमानंद महाराज ने कहा है उस पर आपका रिएक्शन भूपेंद्र जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ी धर्म प्रेमी पार्टी है, तो उसको संत जी की बात मानना चाहिए, और संत जी की बात मान के, चूंकि सरकार में भी वो बैठे हुए हैं, उनको मोदी जी से ये कानून पारित करवाना चाहिए कि हर बच्चे, हर व्यक्ति को जो है 4 बच्चे पैदा करना अनिवार्य है, और 2 बच्चों का खर्चा जो है सरकार उठाएगी। ये काम उन्हें जो है तत्काल करना चाहिए, मोदी जी को सलाह दें, मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन हो सकता है, तो ये कानून बना दें। कानून बनाने के बाद, और इतनी सुंदर बात है यहाँ पे कि हमारे एक मित्र जो यहाँ बैठे हैं टीवी पर, उनके तो पहले से ही 4 बच्चे हैं, तो वो 4 बच्चों में से जो है ये 2 बच्चे जो है भेंट करके श्रीमान अपने धर्म ग्रह उन गुरुओं को और इसकी शुरुआत करें, मोदी जी के साथ सहयोग करें, तो ये जो है ये तो सीधी 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 बात है। देश के लिए अगर जो तो हमारी जनसंख्या क्या होगी, उनका पेट कैसे पाला जाएगा, इसका रोड मैप मोदी सरकार जनता के सामने रखे, और जो है बच्चे, जिसके बच्चे 2 पैदा नहीं हो पाए, उनको जो है IVF से उनके बच्चे पैदा करवा दे, या जो है अपने परख नली से पैदा करा दे, लेकिन 4 बच्चों का कानून बना दे, कानून बनवाए, इसको कानून के लिए क्यों छुप रहे? सरकार है, सरकार जो चाहे कर सकती है, हर जगह नारा लिखा हुआ है मोदी है तो मुमकिन है, तो डर किस बात का? करवाइए, और ये बराबर कानून लागू करवाइए, और इस कानून के लिए सरकार जिम्मेवारी उठाए कानून बनाने के बाद। नहीं, लेकिन सरकार तो भूपेंद्र जी चिंता जाहिर कर चुकी है ना कि आबादी को नियंत्रित करना बेहद जरूरी है, तो फिर ये सरकार ये क्यों करवा रही है इस तरह के विवाद? ये जो संस्कृति बचाने में जो लगे भाई साहब, ये क्यों कर रहे हैं ये सब विवाद? जब मोदी जी कह चुके हैं तो यार मोदी की मान लो, और नहीं तो मोदी जी से कहो कि आप जो है संत जी की मान लो, कोई तो बात कहीं तो पहुंचना चाहिए उस पर, निराकरण पर, और मोदी जी उन 2 बच्चों की जिम्मेवारी उठाएं और उसके उनका खर्चा उठाएं, और जो है 2 बच्चे जो है साधारण देश को समर्पित कर दें। 4 साल तो रोक नहीं पा रहे अग्निवीर को, उसमें तो हवा निकल रही है, जो कह रहे हैं कि साहब हम खर्चा नहीं उठा सकते, और भाषण चल रहे हैं कि 4 बच्चे 6 करो पैदा, 6 का भी नारा लगवा दो और 4 बच्चे देश को दिलवा देना, पंडित जी रख लेंगे। तो ये बात जो है ये इस तरह का एक सवाल है कि कोई ना कोई सनसनी देश में बनी रहना चाहिए, तो एक सनसनी ये भी है, सनसनी को और आप भी थोड़ा सा सब लोग मिलकर बढ़िया आगे बढ़ाओ,
मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। हम तो इसमें बिल्कुल सहमत है, मोदी जी भर तय कर दें, चार बच्चे पैदा करने, जिसका एक पैदा हुआ उसको पांच परखनेली से पैदा करवाओ। डॉक्टर प्रेम व्यास, देखिए भूपेन जी, सबसे पहले तो ये बताने का कष्ट है मेरे लिए बहुत आदरणीय है कि वे हिंदू है कि नहीं, वे अपने आप को हिंदू मानते हैं या इससे अलग समझते हैं। जो समतुल समाज के बीच का संवाद था उसको वह अलग दिशा देने का कार्य करे तो पहले तो निर्धारित कर ले। दूसरा, कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड यह है क्या कि परख नली से जो है संतान उत्पत्ति करना चाहिए? ये कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है कि भूपेंद्र जी का है? और इसके पूर्व के जो स्टेटमेंट्स थे उसको क्या कांग्रेस पार्टी स्वीकारती है? जैसे जाकिर नाइक साहब जब चलते थे, जब कहा जाता था कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन में आ जाइए और कांग्रेस उसका समर्थन करती थी, अभी फरहाद हकीम जी ने टीएमसी में कहा है कांग्रेस उसका समर्थन करती है क्या? इमरान मसूद जी का स्टेटमेंट कांग्रेस समर्थन करती है क्या? हमीदुर रहमान का स्टेटमेंट कि 24 तारीख को सेंट्रल फोर्सेस चले जाएगी, उसके बाद में तुम्हारा क्या होगा? और एक तो और आगे चढ़ के निकले नहीं। भूपेंद्र जी, आप क्योंकि स्काइप से कनेक्टेड है तो आप बीच में ओवरलैप नहीं कर पाएंगे, मैं आऊंगी आपके पास जी। हम ये कह रहे हैं ये विषय डिबेट का, डिबेट कराइए, बजट पे लूट लिया पूरे देश को, उस पे क्यों नहीं करा रहे यार डिबेट? अरे भूपेंद्र जी, बजट पर हमने बहस कर ली सर, आगे कोई भाषण दे जाएगा उस पर डिबेट होगी, देश भर में नेशनल डिबेट करेंगे। आपसे मेरा निवेदन है कि कुछ तो थोड़ा बहुत देश के लिए सोचिए। तो देश के सोचना है सर, आबादी को नियंत्रण में रखने की बात कही जा रही है, बीजेपी तो कह रही है कि हम तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर हैं, इसीलिए करिए डिबेट उस पर, करिए बजट पे करिए भाई, बजट देश की जनता की जरूरत है। भूपेंद्र जी, 23 तारीख को हमने बजट पर डिबेट कर ली थी, करा दीजिए और कराइए, लूट लिया पूरे देश को, 250 रुपए किलो लीटर मिल रहा है तेल खाने का, 200 रुपए पर दाल पहुंच गई, 100 रुपए पर टमाटर पहुंच गया, टमाटर पाकिस्तान में 100 रुपए मिलता है तो वो भिकमंगा है, और हमें हमारे को भारतीयों को 100 रुपए में टमाटर मिल रहा है तो हम विश्वगुरु हैं? ये इस पर डिबेट हो रही है। आपसे मेरा आग्रह है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इन सारे जो है महाविद्वानों से मैं नहीं जूझ सकता हूं, पांच पांच आपने बिठा रखे हैं, तो मुझे आप क्षमा करिए इस डिबेट में, लेकिन जो है मैंने कहा कि अगर पंडित जी की बात अच्छी है, मानने योग्य है तो कानून बना दें, और मोदी है तो मुमकिन है, इसमें दिक्कत क्या है? सर, अभी तो कोई और कुछ बोला भी नहीं, अभी तो किसी का रिएक्शन मैंने लिया ही नहीं था, दो और मेहमान अभी तो पैनल पर हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? आप तो करा दीजिए इसमें, मैंने तो शुरुआत ही ऐसे कही थी कि जब 2019 में सरकार चिंता जाहिर कर देती है तो उसके बाद इस तरह के बयान का क्या औचित्य रह जाता है, मैं तो शुरुआत ही उस बात से कर रही हूँ। इनको सही हो जाएगा सब, ठीक है, बिल्कुल सुंदर बन जाएगा, दो लाइन बस करा दीजिए। दो और मेहमान है सर भूपेंद्र जी, अक्षय शर्मा जी, अब मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो पूरे 35 बार इस तरह के कदम उठाने की बात बिल लेकर आया गया जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, हर बार ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है क्योंकि बहस जो है वो सिर्फ सियासत के इर्द गिर्द ही सिमट जाती है। इससे बात पूछ रही हैं आप? अक्षय शर्मा जी हैं सर हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। जैसा कि आपने जैसा आपने इस विषय को उठाया है, जनसंख्या नियंत्रण कानून पर हर बार चर्चा होती है लेकिन उस पर किसी निर्णय पर कोई सरकार नहीं पहुंच पाती है, तो अब समय आ गया है कि उस पर किसी निर्णय पर पहुंचा जाए, क्योंकि जो विषय आज पंचायती अखाड़े के श्री निरंजन के महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज ने उठाया है वो किसी भी व्यक्ति के लिए निजी विषय हो सकता है कि कितने बच्चे हों कितने नहीं हो, लेकिन उनकी जो समग्र चिंता थी वो एक सनातन समाज के लिए थी कि किस तरह से सनातन समाज जो है आगे आने वाले भविष्य वो भविष्य की चिंता कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने ये विषय कहा था। उसका तरीका कुछ और दूसरा भी हो सकता है। अभी हमने देखा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो है केंद्र सरकार की, उसके आंकड़े आए थे, उसने 1947 से 2015 तक के जो आंकड़े दिए हैं उसके हिसाब से जो देश में हिंदुओं की जनसंख्या है उस पे 7.82% की गिरावट आई है।
और जो मुस्लिम समाज है उसकी जनसंख्या में 65% की का इजाफा हुआ है सर। लेकिन उसकी वजह ये भी तो हो सकते हैं कि वो बढ़ रहे हैं और निम्न वर्ग में वो समाज अभी भी जी रहा है कि वहां जागरूकता पहुंच नहीं पा रही है, और उसको लेकर एक आईएएस ने भी तो अपना कंसर्न शो किया था ना कि किस तरह से वहां पर अब तक जो मदरसा सिस्टम चल रहा है वहां का लोग, वहां के जो लोग हैं वो जागरूक ही नहीं हो पा रहे। लेकिन अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, नीति जी आपके पास मैं आ रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक महिला की पसंद जागरूक करने की आवश्यकता है। लेकिन इससे पहले एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अपर्णा जी, जी अक्षत जी, जिस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही है और पूरा डेमोग्राफिक जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में चेंज हो रहा है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। वो लेकिन देश सर इसकी चिंता है, लेकिन उसके लिए कदम भी सरकार ही उठाएगी ना, उसके लिए भी कदम सरकारें ही उठाएंगी। हाँ, सरकार को उठा रहे हैं और उसी के लिए कदम सरकारों को ही उठाना होगा। नीति जी सर समय कम है, माफी के साथ समय कम है, बहुत कम समय बचा। नीति जी मैं आपके पास आ रही हूँ, आपका रिएक्शन। देखिए एक महिला हूँ उस पूरे पैनल पे और आप भी महिला, अपर्णा जी मेरे लिए, मेरे साथ एक महिला ही इस पीड़ा को और उस सेवा को समझ सकती है जो जन्म देती है, कि शिशु को जन्म देना, उसको धारण करना गर्भ में 9 महीने, उसके बाद उसका पालन पोषण करना और आखिरी सांस तक एक माँ का एक ऐसा रिश्ता होता है जो सर्वोपरि सब गुरुओं से भी ऊपर माना जाता है। इसीलिए हम अपने पूरे विश्व में एकमात्र हमारी संस्कृति है जो अपनी भूमि को माँ के नाम से संबोधित करती है। निश्चित रूप से आवश्यकता जो है इस समय, जैसे कि अभी इकोनॉमिक सर्वे का आंकड़े भी आया कि जो हिंदुओं का जो रेट है वो कम हुआ है, मुसलमानों का ज्यादा हुआ, ये भी हम जानते हैं। जब बंटवारा हुआ 1947 में 2% मुसलमान आए और आज 20% के आसपास हो गए हैं, और यहाँ से जो हिंदू वहां गए वहां पे अब एक्सटिंक्ट हो गए, शायद 1-2% हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं। इन्फ्लेट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू है, रोहिंगा मुसलमान बहुत बड़ा इशू है, लेकिन आवश्यकता समाज का मैं इसलिए सम्मान करती हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति के संरक्षण के लिए वो कार्यधर है। लेकिन आवश्यकता 5 पांडव थे अर्पणा जी और 100 कौरव थे, हमारी आवश्यकता इस समय समाज को योग्य बनाने की है, समाज को वो ताकत देने की है कि हम ये जो संख्या बल है आज, अब भारत क्या बात कर रहे हैं आप लोग, 140 करोड़ तो ये लिखित आंकड़ा है, मेरे हिसाब से 160 करोड़ के आसपास हो गया होगा रोहिंगा मुसलमान और जितने भी अनरजिस्टर्ड जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अगर आप उसका तो जो कमियां हैं उन्हें दूर करने की आवश्यकता है ना। अगर घुसपैठ हो रही है, घुसपैठ को रोकने की आवश्यकता है, अगर कोई और समाज खुद को गर्त में डालने का काम कर रहा है तो समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है, ना कि जो समाज जागरूक हुआ है अपनी आबादी को लेकर, अपने घर के रहन सहन को लेकर, ना कि उन्हें इस तरह के बातों को उलाहना देने की आवश्यकता है कि भाई देखिए वहां पर क्या हो रहा है, वो तो गड्ढे में डूब ही रहे हैं, आप भी डूब जाओ। बहुत धन्यवाद आप सभी का मध्य प्रदेश की महाडिबेट में शामिल होने के लिए। और ये 4 पुत्रों वाला ज्ञान दिया गया है, कहा जा रहा है सनातन को सशक्त करने की दिशा में ये ज्ञान दिया गया है, लेकिन अब ज्ञान को लेकर किस तरह से सियासत हो रही है वो भी आपने देख लिया है। एमपी की महाडिबेट में इतना ही, खबरें लगातार जारी है।